एक जंगल में मंगल बना के बैठी है, एक यूरोप का माहौल बना के बैठी है, यहाँ पे एकेडमी की सूरत में जहाँ पे समोसे पकौड़े लोगों को सर्व करते थे। और दोस्तों आप देख रहे हैं पाक पतन सोशल मीडिया, मैं आपका हूं सिकंदर नकवी जी। दोस्तों इस वक्त मौजूद है पाक पतन के एक बज़ाहिर दिखने वाले पसमानदा इलाके फरीदकोट में। यहां पे आज हमारा आना हुआ है, यहां पे आके हमारा दिल बड़ा खुश हुआ है। हमें ये समझे तो हमें यहां जंगल में हमें एक गांव जैसे माहौल में हमें यूके का माहौल देखने का मिला है। वो किस तरह मिला है कि यहां पे एक हमने अकेडमी देखी है जो कि यहाँ पे ई कॉमर्स एकेडमी है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को काम सिखा रही है और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट काम करने वाले हमारी जिससे भी बात हुई है वहाँ यहाँ पे हर बंदा ही माशाल्लाह अच्छी है कर्निंग कर रहा है। इस हवाले से हमने बहुत से स्टूडेंट से बात की, यहाँ पे हमने विजिट किया तो एक भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि यहाँ पे इनका क्या एक्सपीरियंस है और ये कब से यहाँ इन्होंने क्या काम सीखा और क्या अर्निंग है। इस्लामी को अच्छा भाई जान, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको इस एकेडमी में आते हुए कितना अर्सा हो गया? मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गए इस एकेडमी। अच्छा ये बताएं कि आपको 1.5 साल हो गए यहाँ पे आते हुए, आपकी एक्चुअल तालीम कितनी है? आपने मैट्रिक किया हुआ? अच्छा ये बताएं कि आपने मैट्रिक किया हुआ तो यहाँ आके आपने कौन कौन सी स्किल सीखी है? मैंने सबसे पहले इधर ईबे सीखा था, फिर टिकटॉक और अच्छा टिकटॉक सीखा था ऑन बाय और ई पे। अब ये बताएं कि आप उस पर क्या करें, वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कर रहे हैं या ड्रॉप शिपिंग क्या काम कर रहे हो? ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं सर कि आपकी मंथली अर्निंग कितनी है? 1 लाख प्लस है मेरी। माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि जब आपने एकेडमी नहीं ज्वाइन की थी तो तब आपकी क्या अर्निंग थी? 20,000 सैलरी थी। क्या काम करते थे आप? ड्राइविंग करते थे। तो आप अपनी ड्राइविंग छोड़ दी? सबसे पहले मैं सबका शुक्रगुजार अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे टाइम दिया और मैं माशाल्लाह 2 साल हो गए अपनी सर के पास काम कर रहा हूँ। अच्छा भाई ये बताएं कि आपको 2 साल हो गए आप यहाँ काम कर रहे हैं, आप ऑनलाइन किस किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं? जी फिलहाल करंटली तो मैं ऑनलाइन पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ईबे पे भी किया है, अमेजोन का भी सीख रहा हूँ और उसके बाद टिकटॉक पर। आपको कितना अर्सा लगा ये काम सीखने में? मुझे ऑलमोस्ट तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मैं सीख रहा हूँ, यानी कि ये नहीं कि आपका दोस्त दोस्त मौजूद है। ये एक होटल पे एज अ वेटर काम करते थे जहाँ पे समोसे पकौड़े लोगों को सर्व करते थे और वहाँ जुड़ के आज एक हैंडसम अमाउंट जो है वो अपनी कमा रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स या ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू कमा रहे हैं। जी भाई आप बताइएगा कि आप इस सेटअप में या इस सिस्टम में आने से पहले क्या काम करते थे और आपकी अर्निंग क्या थी और आपकी घर की मुश्किल क्या थी? हमारे घर की काफ़ी मुश्किल होती थी, तो मैं इससे पहले होटल पर काम करता था, तकरीबन 15-20 हज़ार का सैलरी होती थी। उसके बाद ये भाई ने ई कॉमर्स का काम स्टार्ट किया, मैंने देखा मुझे अच्छा लगा स्टार्ट किया, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, मैं एक मंथ का तकरीबन 1 लाख से प्लस कमा। एक दोस्त ने हमें बताया कि पहले ये 15-20 हज़ार रुपये सैलरी पे एक होटल पे काम करते थे, लेकिन अब जो ई कॉमर्स की बदौलत इनकी जो ज़िंदगी में जो चेंज आया है वो मेजर चेंज है, जो इस एरिया में इस दौर में तकरीबन यहाँ पे बैठे हुए अपने घर के बहुत ही करीब तकरीबन 1 लाख रुपये के करीब जो है वो ये मंथली इनकम दे रहे हैं। आपकी लास्ट मंथ की इनकम क्या थी? लास्ट मंथ की तकरीबन 1 लाख प्लस ही है। 1 लाख प्लस जो है ना वो इनकी लास्ट मंथ की इनकम थी। आप बताएंगे कि आप किस मीडियम में काम करते हैं, कि आप फ्रीलांसिंग करते हैं या लोगों को प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हैं, किस मीडियम में आप काम करते हैं? हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं। ड्रॉप शिपिंग में आप कौन से पोर्टफोलियो पे या किस सिस्टम में हैं, किस मंडी में आप काम कर रहे हैं? मैं ऑन बाय ये ऑन बाय पे काम कर रहे हैं, जो कि दुनिया की एक जानी मानी बहुत बड़ी मंडी है जहाँ पे ऑनलाइन बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है ना वो सेल होती हैं। और इसके लिए आपको बताता चलूँ कि ना किसी डिग्री की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी बहुत बड़े पोर्टफोलियो की ज़रूरत है, यहाँ पे सिर्फ आपका स्किल्स होनी चाहिए। हम यहाँ पे आए हैं, हमने बहुत सारे इस तरह के नौजवान देखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनके पास एक इस तरह की स्किल्स मौजूद हैं जिसको वो यूज़ करते हुए यहाँ पे अपना बहुत अच्छा काम रन कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया।
जी दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मालिका ई कॉमर्स एकेडमी फ्रीज कोर्ट के इंचार्ज भी है, प्रिंसिपल भी है, बड़े अच्छे भाई भी है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है। इनसे जानते हैं कि इन्हें क्या ख्याल है कि ये फ्री कोर्ट जो के बज़ाहिर तौर पे एक पसमानदा बाहर से देखते कलाकार नजर आता है और ये जंगल में मंगल बना के बैठी हैं, एक यूरोप का माहौल बना के बैठी हैं यहाँ पे एकेडमी की सूरत में। इनसे जानते हैं कि ये ख्याल सर आपको कैसे है। जी सर, कैसे करिए सर, ठीक है जी। अल्लाह शुक्र। अच्छा, ये बात है 2019 की जब कोविड आया था, उस वक्त मैं एक बारबर की फैक्ट्री में जो काम कर रहा था, वहाँ पर मैं एज एन अकाउंटेंट मैनेजर था, उनके सारे जो काम को मैं मैनेज कर रहा था। तो जब कोविड आया तो फैक्ट्री फिर उन्होंने किसी वजह से क्लोज कर दी। ओवरऑल पाकिस्तान आपको पता है वहाँ पे क्या है, उस वक्त सोच क्या होती। तो जब फैक्ट्री उन्होंने बंद की तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम इस मुताबिक सैलरी नहीं पे करेंगे, तो क्योंकि हमारे काम तो बंद रहे। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि एक ऐसा काम होना चाहिए कि मुल्क के अंदर जितनी मर्जी मुश्किल आते रहे, यहाँ पर कोई मुस्लिम से आते रहे, हड़ताल जो मर्जी, लेकिन काम बंदे का चलता रहे। फिर मैंने फेसबुक के थ्रू और उसके अलावा डिफरेंट सोशल मीडिया के थ्रू मैंने सर्च अपनी जो स्टार्ट कर दी थी कि हाउ टू वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन वर्किंग किस तरह की है। फिर करते करते मुझे कुछ सऊदी अरेबिया से लोग मिले, कुछ पाकिस्तान से मिले, उनके साथ भी मेरी कम्युनिकेशन हुई। फिर मैंने अमेजोन जो है वो सब स्टार्ट किया था। और अगर बात की जाए इसमें तो मुझे तकरीबन 5 साल हो गए इस ई कॉमर्स फील्ड के अंदर। ये लगा भैया आप माशाल्लाह हम इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हैं, मेरे ख्याल से ये कोई एक अकेडमी नहीं है। बेसिकली अब्दुल्ला भाई ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेटअप लॉन्च किया है जिसमें बहुत सारे लड़के, मेरे ख्याल से यंगस्टर्स, जो हमने स्टोरीज देखे यंगस्टर्स आते हैं, सीखते भी हैं और इन दी एंड यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के कमाना भी अपना शुरू करते हैं, जिससे उनकी माली मुश्किलात काफ़ी सारी हल हो जाती हैं। आपके पास इस वक्त कितने लड़के इस तरह की सक्सेस स्टोरीज वाले या लड़के मौजूद हैं जिन जो पहले मिल थे जो कि अब बरसर रोज़गार आ चुके हैं? अगर मेरे पास टीम की बात की जाए तो इस वक्त मेरे पास 40+ टीम है जो लड़के काम कर रहे हैं। और अर्निंग के हवाले से बात की जाए तो 30+ ऐसे जो मेरी टीम है जो पर मंथ अर्निंग जो 50,000+ जो है उनकी अर्निंग है। कुछ उसमें मेरी ऐसी टीम भी है जिनको ऑलमोस्ट कोई 1.5 ईयर हो चुकी है, वो कोई 1 लाख से क्रॉस बग भी अर्निंग होती है, लेकिन जो एवरेज वो 50+ यहाँ पर अर्न कर रहे हैं। आपने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो आपकी 30+ की टीम है जो मिनिमम जो है वो टारगेट 50,000 का अचीव करती है, 50,000 से 1 लाख रुपीज़ के दरमियान जो है ना बहुत इनकम कर रहे हैं। क्या उनका कोई माली बैकग्राउंड भी बहुत ज़बरदस्त था कि जिसने यहाँ पर आके बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की हो, या कोई बहुत कोई हाईफाई आपके पास क्वालिफाई कोई MBA या उस लेवल के कोई लड़के थे जिन्होंने अपनी तालीम के साथ पे यहाँ पर काम किया या अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ पे काम किया, जो कि आम मार्केट में चूर्ण बेचा जाता है कि आपको अमेजोन या इस किसी भी बड़ी मंडी में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, आप आए इन्वेस्टमेंट करें उसके साथ जो है ना वो लेके चलें, या फिर आपने ग्रास रूट लेवल्स को जो है ना वो लड़कों को लेके आए और उनको काम सिखाया और आज वो अपनी इनकम कर अर्न कर रहे हैं, तो उसमें आप हमारी ऑडियंस को प्लीज़ बताइएगा कि इसके लिए कितनी एजुकेशन और कितनी अमाउंट एज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है? अच्छा, अगर एजुकेशन की बात की जाए तो आपकी मैट्रिक क्लास से उसके अलावा इंटर अगर ग्रेजुएशन तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अर्निंग जो आप एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है बहुत एडवांस यहाँ के इस वक्त जो जिस दौर से गुजर रहे हैं। जहाँ पर मेरी टीम में ऐसे भी बच्चे हैं जो टीम के जिनकी मिडिल क्लास जिन्होंने मिडिल अपना अभी तक उनका क्लियर है, उनकी मैट्रिक भी क्लियर नहीं है। तो उसमें ये है कि आपके पास AI का दौर है, उसके अलावा ChatGPT है, आप उसके थ्रू आप मैसेज बना सकते हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन उर्दू में बात करते हैं, इंग्लिश में हो जाते हैं। असल में मैं जो यहाँ पे सिखा रहा हूँ, मैं कोर्स नहीं करवाता, मैं यहाँ पे एक जर्नी है जो ट्रेनिंग है जो 1 ईयर की, 1 ईयर के बाद जो बच्चे का एक माइंड सेट बन जाता है, उसके बाद जो है अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट की तो उनका एक जो इनका टाइम है वो इनकी इन्वेस्टमेंट है। ये सुबह को 10 बजे आते हैं और शाम को 6 बजे चले जाते हैं, उनका यही है। और उनके पास एक अच्छा लैपटॉप हो, अच्छा इंटरनेट हो और बंदे के पास 6 से 8 घंटे हों तो इजीली बंदा 50,000+ करो। इन्होंने बताया कि इस वक्त जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो नापेक चीज़ है वो बंदे का वक्त है, और अगर कोई बंदा ये बिल्कुल थोड़े से हथियार जिसको वो कहते हैं लैपटॉप और अपनी एक डेडिकेशन वो लेके अगर इनके पास आ जाता है और उससे वो विद इन 1 ईयर अपनी हैंड्स ऑफ अमाउंट जो है ना वो कमाना शुरू कर देता है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये बताएं कि आप ऑनलाइन किस प्लेटफॉर्म पर काम खुद भी करते हैं और अपने स्टूडेंट को सिखा रहे हैं? अगर स्टोर्स की बात कीजिए तो मेरे जो खुद स्टोर्स हैं वो टिकटॉक शॉप के ऊपर है, ऑन बाई के ऊपर है और अमेजोन के ऊपर है। ईबे के ऊपर मेरा स्टोर नहीं, लेकिन ईबे के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। 4 जो मेन जो है जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अमेजोन है,
अमेजोन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, टिकटॉक शॉप पर हम काम कर रहे हैं, और उसके बाद जो है वो मुंबई के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये आखिर ये बता दें हमें कि जो ऑडियंस हमें घर बैठ के सुन रही है उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि ये ऑनलाइन फील्ड में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, और क्या ऐसे पैरामीटर है जिसका ख्याल रखना चाहिए इस फील्ड में आने के लिए? अच्छा यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये बात है फिर अगेन जो है वो 2019 की बात है, फैसलाबाद के अंदर एक सर्कल क्लब है, वहाँ पे रेस्टोरेंट है भी है, वहाँ पे एक मीटिंग थी तो वहाँ पे मैं गया हुआ था। मुल्तान से एक पर्सन बिलोंग करता है तो उसने उसको बात की थी कि अगर मैं ये काम कर सकूँ दुनिया में कोई बंदा भी काम कर सकता है। आप बिलीव करेंगे आज तक ना मेरा वालद सब किसी स्कूल में गया, ना मेरी वालदा किसी स्कूल में गया, और मेरा जितना भी बिजनेस है उसमें मोस्टली मेरा गोरों के साथ बिजनेस है। अगर मैं भी ये आपकी ऑडियंस को पैगाम देना चाहता हूँ, अगर वो बंदा काम कर सकता है और मैं भी कर सकता हूँ तो आप लोग भी काम कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आप कंटिन्यूसली लगे रहे, आज नहीं कल नहीं परसों, उसके बाद तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। बस ये कि आप अपना माइंड सेट कर लें, और दूसरा इस काम को सीखना चाहिए। ये बड़ा अच्छा काम, बड़ा मज़े वाला काम है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि जब आपकी अर्निंग डॉलर या पाउंड में होगी तो आप डेफिनेटली आप बड़ा ग्रो करेंगे, आपकी जो किचन लोग उससे भी बाहर निकल आएंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम यू मेरे जो ज़्यादा एक्सपर्टीज टाइम गुजर रहा है वो गुजर रहा है यूके के अंदर गुजर रहा है। यूके के अंदर मिनिमम 10 पाउंड आप पर डे की अर्निंग करते हैं, तकरीबन 300 आपके पाउंड बनते हैं एक मंथ के, उसको पीकेयर में कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट कोई 1 लाख अबव जो उनकी बनती है। अब मुझे बताएं जिस एरिए से हम उनके साथ ऑडियंस के साथ शुरू कर रहे हैं, आप पतंग जो एरिया वहाँ पर 1 लाख 1.25 लाख कमाना इतना आसान नहीं है, और आपके पास आपकी क्वालिफिकेशन की अच्छी खास सुन लीजिए, और आपका एक अच्छा बैकग्राउंड आपका एक अच्छा। अच्छा अब्दुल्ला भाई एक बात ये भी बता दें, हम कतर एफपीआर वालों को नहीं बताएंगे आप कितना मंथली कमा रहे हैं? बस अल्लाह पाक का जात का शुक्र है, कभी मैंने एक राउंड फिगर दी नहीं। इसमें ये है कि मैं बस जिस चीज़ की तलब करता हूँ अल्लाह पाक मुझे दे देता है, घर की तलब की गाड़ी की जिस चीज़ की मैं तलब करता हूँ अल्लाह पाक ज्यादा मुझे दे देती है। बस ये कि आप किसी के जरिया बन जाए कुरान पाक की आयत का मफहूम भी ना कहे, अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम मेरी मखलूक पे रहम करो खालिक तुम पे रहम करो। आप खुद काम सीख कर दूसरों को सिखाना शुरू कर दें, आपकी अर्निंग डे बाई डे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। बस अपने साथ नसीब जोड़ लें, लोगों को आप सिखाना शुरू कर दें और आपका जो रिजल्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। जी दोस्तों, हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल्ला वट्टू साहब, जिन्होंने अकेडमी बनाई हुई कॉमर्स मानिका अकेडमी फरीदकोट के अंदर। अगर इस भाईजान से आपने मिलना है, इनसे रब्ता करना है, इन भाईजान का नंबर हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और स्क्रीन के ऊपर भी चला देते हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे नंबर हमारे शो हो रहा होगा। आप इनसे इन फ्यूचर कोई भी रहनमाई ऑनलाइन अर्निंग से मुतल कुछ भी अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो भाई अपनी खिदमत आपको देंगे। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम एक अच्छे टॉपिक और एक अच्छी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।